जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जो कि अभी चल रही है, जिसका एक टेस्ट मैच बाकी है और इंडिया को लीड मिली हुई है 2-1 से, जो कि शायद पहली दफ़ा होने जा रहा है कि कोई भी एशियन टीम ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने जा रही है, जो कि अभी भी बहुत दूर है क्योंकि एक टेस्ट मैच बाकी है। ऑस्ट्रेलिया फाइट बैक करके इसको 2-2 भी कर सकता है और शायद किसी भी टीम का ये ख्वाब ख्वाब ही रहे, लेकिन इंडिया की इस टीम ने जिस तरह 2 मैच जीते हैं, पहला टेस्ट मैच एडिलेड में और तीसरा मैच मेलबर्न में, वो इस तरह जीते हैं कि लगता नहीं कि ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज़ में कमबैक कर सकेगा। और ऑस्ट्रेलिया की इस टीम में शायद इतनी जान नहीं है कि वो एक स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकें। इंडिया की टीम में जो दमखम है वो शायद चौथा मैच भी जीत जाएँ और 3-1 से सीरीज़ को जीत जाएँ, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी किसी भी एशियन टीम के लिए और स्पेसिफिकली इंडिया की टीम के लिए, क्योंकि इंडिया की प्रीवियसली बहुत अच्छी अच्छी टीम्स भी ऑस्ट्रेलिया गई मगर उन्होंने स्ट्रगल किया या सीरीज़ बराबर की, जिसमें राहुल द्रविड़ की टीम थी, सौरव गांगुली की टीम थी, पास्ट में सुनील गावस्कर की टीम, कपिल देव की टीम, सब ने जाके वहाँ पर स्ट्रगल किया, मगर MS धोनी की टीम ने स्ट्रगल किया, अनिल कुंबले लेके गए उन्होंने स्ट्रगल किया, मगर शायद विराट कोहली की किस्मत में लिखा हुआ है कि वो पहले कैप्टन और पहले कोई भी एशियन कैप्टन बन जाएं, इंडियन कैप्टन और एशियन कैप्टन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत जाएं। तो इंडिया की टीम की होप्स बहुत हाई हैं और इसके साथ साथ जितने भी लोग हैं उनका भी यही मानना है, क्रिकेट एक्सपर्ट्स का, कि पहली दफ़ा इंडिया ये सीरीज़ जीत जाएगा और बहुत बेहतरीन उन्होंने खेल अभी तक पेश किया इस पूरी सीरीज़ में, चाहे उनके बैट्समैन हों चाहे बॉलर हों, बहुत बेहतरीन उन्होंने खेला। अगर तीसरे मैच की एग्जांपल लें कुछ, तो जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की, बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन टीम को उड़ा के रख दिया उन्होंने पहली इनिंग्स में, और फिर जो उनके ओपनर्स थे यानी किसी भी टेस्ट मैच में और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में यानी एलियन कंडीशंस में, 2 नए ओपनर्स उतार देना, एक जो ओपनर ना हो और एक जो अपना डेब्यू मैच खेल रहा हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इंडिया ने जिस तरह इस मैच को टेकअप किया और इस तरह खेला वो बहुत बेहतरीन है, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और यही फीलिंग है कि इंडिया वो पहली टीम होगी जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हराने में कामयाब हो जाएगी, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इंडिया की टेस्ट टीम के लिए।